नमस्कार दोस्तों, सज्जनियों लांडी तरफ से सभी किसान भाइयों को राम राम। आज भाई भट्ठे पर आए हुए थे और भट्ठे पर जो गार डालने वाली जो मशीन होती है उस मशीन पे 30-37 का डेमो दे रहे हैं भाई। चला के दिखाएंगे क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगी इस मशीन के अंदर जो भट्ठे के ऊपर गार का काम करती है, उसमें देखेंगे भाई जो भी परफॉर्मेंस होगी दिखाई देगी आपको। उनतालीस HP के अंदर ये स्मार्ट ट्रैक्टर 30-37 जो कि स्टेट एक्सल में है और पीटियों की जो चाल है वो गेरों के अंदर है, तो अभी देखेंगे भाई इसमें। बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, चला कर दिखाएंगे कुछ देखेंगे ठेकेदार भाई। जो किसान भाई पहले से महिंद्रा चला रहे हैं या सोनाली का चला रहे हैं उनमें और इनमें क्या कुछ फर्क रहेगा। इस ट्रैक्टर के ऊपर चल रही थी मशीन, अब यही मशीन 30-37 पर देखी जाएगी भाई। और भाई ये जो भी ड्राइवर भाई हैं जो काम कर रहे हैं बताएंगे कि कुछ फर्क रहेगा भाई ट्रैक्टर। यहाँ भट्ठे पे देखो भाई भराई चल रही है एक साइड से और जलाई चल रही है और रही भी जो मिट्टी की पथाई चल रही है, तो उस मशीन पे भी दिखावा है भाई। अभी सारे ट्रैक्टर भाई लोड होए खड़े हैं। CBC भट्ठा ग्राउंड भाई, ये भाई मशीन खड़ी है अपना। अब कितने बॉकेट में भरेगी मशीन को और भाई कितने टाइम में वो खाली करेगा ट्रैक्टर, वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में लाइव दिखाई देंगी भाई। लो भाई आ गया ट्रैक्टर अपना लेगा मशीन, बैक आओगा ठेकेदार के पास। पहले से बड़े ट्रैक्टर भाई सुपर चल रहे हैं और छोटी HP की ज़रूरत पर ये आज इसकी देखेंगे जो परफॉर्मेंस है। ये भाई मशीन चला दी है भाई, लगाऊंगे के नीचे और फिर जो भी टाइम वगैरह होगा वो सभी चीज़ें कंटिन्यू जुड़े रहे हैं भैया और देखते रहे हैं। और जो भी किसान भाई चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो। ये भाई शुरुआत कर दी है डालने, बॉकेट एक डाल दी है, ट्रैक्टर लगा दिया है। बॉकेट भाई देखो टेक्निकल और मशीनगरी का इतना वो हो गया कि पहले ही मिट्टी को लेबर खुद काटती थी, पानी डालती थी, पहले भिगोती थी और फिर जाके ने उसको पथार में मिट्टी के लिए तैयार करते थे। तीसरी है कि या चौथी बॉकेट,
भाई इतने टाइम में देखो, ये एक मशीन भरती है मिट्टी की, और इसकी कैपेसिटी जो भी है वो भी पूछेंगे कि भाई एक मशीन में कितनी ईंट की इनमें मिट्टी डाली जा है। और भाई ये भरती है, फुल होगी मशीन। अभी भाई अपना पथेर वहाँ चलाएंगे और वहाँ देखाएंगे। बिल्कुल भाई, नया ट्रैक्टर था के बम्पर वगैरह नहीं था, बड़ी मशीन थी। तो भाई एक बार ऊपर ताई भर रखे वह जा खिंडती गति। पसार के अंदर पहुंच गया भाई, अब कितने टाइम में ये खाली होगा वो भी दिखाएंगे। अब ये चल रहे हैं भाई, गियर बताओ। हाँ तब स्टार्ट कर दी। ये रिवर्स गियर के अंदर निकाल ला भाई। कौन से गियर में चला रहे हो? चौथे में चौथे गियर के अंदर ये मशीन में चल रहा है ट्रैक्टर। जब भाई निकाल रहा था उस टाइम तो वो आई तो रिवर्स लगाया था, अभी आपने देखा होगा। ऊपर काम आओ भाई, रिवर्स पीटी होना ट्रैक्टर इस मशीन के ऊपर बहुत जरूरी है। ये जो एक मशीन आई है अब ये खाली हो रही, इसमें कितनी ईंट बनेगी? ईंट बन जाएगी 2200 2200 2300 ये कैपेसिटी इसकी।
तो कितने टाइम में बना देते हो आप ये? क्या सुबह तक बनी। सुबह तक मतलब कई घंटे का प्रोसेस है? घंटे लग जाते हैं, एक महीना तकरीबन। जैसे मतलब लेबर हो हम कम चले हैं, चार जन जो रहे तो उनका बन जाते हैं दो घंटा ढाई घंटा तीन घंटा में। क्या नाम है तुम्हारा? रणजीत। रणजीत, चलो बहुत बढ़िया है। रणजीत भाई है जो यहाँ पथेर के अंदर इनके यहाँ पे यह मिट्टी उतार दी गई है और 2000 से 2300 ईंट की कैपेसिटी बता रहे हैं जो अभी ये मिट्टी निकाली गई है। क्या नाम भाई साहब अपना? नसीब नाम। नसीब भाई साहब, आपने जैसे ट्रक को लगा कर जब ले कर चाले हो, चलो जो आपने चाल में या भाई रतान में या गेयर में कुछ उन ट्रैक्टरों से रिस ट्रैक्टर से कुछ वैसे ठीक चला वीडियो में था। अच्छा जी। मैं उठन वाली दिक्कत है, उठा ज्यादा है ट्रैक्टर। पहले कौन सा चलाओ हो आप? मैं तो सोनालिका 35 भी चलाऊ हूँ। हाँ। छोटे ट्रैक्टर में 35 है। 35। हाँ। तो 35 में रिस में जो चाल है जो पीटीओ का है जो स्पीड थी उसमें कुछ अलग थी? पीटीओ की स्पीड तो उसकी बात है वैसे। अच्छा। तो गियर का हिसाब होगा कोसे चाल में कोसे के। हाँ हाँ। चक्कर बनाने हो मशीन के। बिल्कुल। ये तो चक्कर पूरा पड़ी हो ना, इसका चक्कर का मिलन का हो जाए ठीक है, इसमें घट जा बढ़ जा जो भी। हाँ। वैसे आपके काम में जो चाल दी गई इस मॉडल के अंदर वो फिट बैठे हैं? चाल तो ठीक है वैसे, पर उठन की सबसे 32 में से इस दिन यह कामयाबी ना हो। चलो उठन की ये है कि बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, देखो आगे कोई बम्पर भी नहीं है, थोड़ी ही इस पर आगे वेट देने के बाद में वो दिक्कत भी। एक इसमें अगर जब मशीन में चलाना ना तो मीडियम का गियर देंगे ना, बैक करने में आसानी रहेगी। अच्छा जी। चलो ये फीडबैक देंगे, आपने जो चीज महसूस करी है और जो चीज की जरूरत है। हाई स्पीड का ट्रैक्टर कोई भी हो वो बैक करते आने दिक्कत करे, फिर वो बंद होगा हाई में और लो में सरकाव नहीं का। बिल्कुल। यह दिक्कत होगा तो उसमें थोड़ी चाल का वो मैच हो जाए। हाँ, मीडियम होने के मीडियम में चाल बैक करने में आसानी हो जाए ट्रैक्टर। बिल्कुल। कोई भी ट्रैक्टर हो भाई अपना बड़ा है वो लैंड मीडियम लगा के बैक करें आराम से बैक हो जाए। ठीक है। तो भाई पहले से बड़ा ट्रैक्टर 36-30 सुपर प्लस चला रहे हैं यहाँ पे और अब छोटे ट्रैक्टर की ज़रूरत पर इन्होंने यहाँ डेमो दिया है 30-37 का मशीन के ऊपर वो चला के देखा है। बड़ा ही धन्यवाद भाई साहब आपका जो आए और आपने बताया और ये चीज़ जो भी किसान भाई देख रहे हैं या जो लेना चाह रहे हैं इस काम में इस पर्पज में तो भाई ज़रूर देखें। और भाई ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी डेमो या एक्टिविटी होगी वो समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।